हाय, वेलकम टू एम बी ए जी यूट्यूब चैनल। लीनियर इक्वेशन ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज भी, और लीनियर इक्वेशन के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस नो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ साथ में। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ए एंड बी आर सिबलिंग्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। दे आर सिबलिंग मीन्स दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल। ठीक है, भाई बहन है। देयर ऑपोजिट जेंडर मतलब एक भाई है और एक बहन है। ए एंड बी आर सिबलिंग्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए ब्रदर है तो ऑब्वियसली बी सिस्टर होगी बिकॉज दे आर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। सो आई नो ए इज ब्रदर एंड बी इज सिस्टर। कहता है क्वेश्चन में आगे, ए सेड टू बी, ए क्या कहता है बी से, आई हैव ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज आई हैव ब्रदर्स। ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज आई हैव ब्रदर्स, क्या बोल रहा है? मतलब मेरे सिस्टर्स का नंबर मेरे ब्रदर्स के नंबर्स का डबल है। मतलब ए कहता है, ए ब्रदर है और कहता है कि मेरा अगर एक भाई होगा तो मेरे दो बहनें होंगी। इफ आई हैव गॉट टू ब्रदर्स देन आई हैव फोर सिस्टर्स, इफ आई गॉट थ्री ब्रदर्स देन आई हैव गॉट सिक्स सिस्टर्स, लाइक दैट। तो मेरे जितने भी भाई हैं सिस्टर्स का नंबर ब्रदर्स के नंबर्स का डबल है। ठीक, ओके। बी कहती है, बी कहते बी इज अ सिस्टर, हाँ बी कहती है आई हैव एज मेनी ब्रदर्स एज आई हैव सिस्टर्स। तो ए बी कहती है कि मेरे जितने ब्रदर्स हैं उतने ही मेरे सिस्टर्स हैं। ठीक है, और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स, टोटल कितने भाई बहन हैं। बोलो ए और बी टोटल कितने भाई बहन हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले इसको हम लोग इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाया जाएगा और उसको सॉल्व करके आंसर निकाला जाएगा। लेटर ऑन विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग दी आंसर। सो लेट अस फर्स्ट नो ट्राई टू फ्रेम इक्वेशन फॉर दिस। हमें पता है दो लोग हैं, कुछ ब्रदर्स हैं कुछ सिस्टर्स हैं, राइट? कुछ ब्रदर्स हैं कुछ सिस्टर्स हैं। कितने ब्रदर्स हैं कितने सिस्टर्स हैं ये मुझे निकालना है, यही हमसे पूछा गया है। तो मुझे एक ब्रदर का तो पता है कि ए इज ब्रदर एंड बी इज सिस्टर। इसके अलावा कुछ और भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिनका नंबर मुझे मालूम नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए के अलावा टोटल एक्स ब्रदर्स और हैं, एक्स नंबर ऑफ ब्रदर्स। दिस इज नॉट, एक्स इज नॉट द नेम ऑफ द ब्रदर, ए इज द नेम ऑफ द ब्रदर, बट एक्स इज द नंबर ऑफ अदर ब्रदर्स। ठीक है, और कितने ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो एक्स और ब्रदर्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स का नंबर हो जाएगा एक्स प्लस वन। वाई एक्स प्लस वन, एक्स ब्रदर्स तो है ही है, अब प्लस ए भी तो है, तो टोटल कितने ब्रदर्स हो गए, एक्स प्लस वन ब्रदर्स, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बी तो ब्रदर है ही है, उसके अलावा और सॉरी सिस्टर तो है ही है, इसके अलावा और कितने सिस्टर्स हो जाएंगे, वाई सिस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो हो गए वो कितने हो गए, वाई प्लस। So there are x plus 1 brothers and there are y plus 1 sisters. ठीक है, इतनी so far so good, इतना समझ में आ रहा है। x is the number of no more brothers other than a, y is number of more sisters other than b. So total number of brothers are x plus 1, x brothers plus this a also. Similarly total number of sisters are y plus 1 because y sisters we have assumed and there is one more which is given in the question b. So y plus 1 sisters, right? Now let us frame the equation for the two statement. A ने एक statement दिया है, B ने एक statement दिया है, दोनों से दो equation बन जाएगा। कैसे बनाओगे? A क्या कहता है? A कहता है मेरे बहनों का number मेरे भाइयों के number का double है। तो चलो देखो जरा A के बहनों का number है कितना? A के total कितने बहन है? Y plus one sisters है। और A के brothers कितने हैं? X brothers। देखो A के y प्लस वन सिस्टर्स होंगे, सारी की सारी सिस्टर्स एक ही सिस्टर्स हैं, और x प्लस वन टोटल ब्रदर्स है जिसमें से एक खुद कौन है, a है। तो a के अलावा और कितने ब्रदर्स हैं, x ब्रदर्स हैं। सो a हैज गॉट x ब्रदर्स एंड y प्लस वन सिस्टर्स, और सिस्टर्स का नंबर ब्रदर्स का नंबर का डबल है। सो दिस नंबर y प्लस वन इज टू टाइम्स x। सो एक इक्वेशन बन गया, y प्लस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स x, राइट? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। नाउ सेकेंड इक्वेशन बी के स्टेटमेंट से आएगा। बी कहती है बी सिस्टर, है ना।
तो बी कहती है आई हैव एज मेनी ब्रदर्स एज आई हैव सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों का नंबर सेम ही है, मेरे जितने भाई हैं उतने ही मेरे बहन हैं। तो देखो जरा बी के बहन कितने हैं, बी के बहन है वाई, बी के बहन है वाई, बी के सिस्टर नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हैं, बी के वाई सिस्टर्स, बिकॉज टोटल वाई प्लस वन सिस्टर्स है जिसमें से एक खुद कौन है, बी है, तो बी के अलावा और कितने हैं, वाई। सो देयर आर वाई सिस्टर्स एंड बी के टोटल ब्रदर्स कितने हैं, एक्स प्लस वन ब्रदर्स, सो बी के एक्स प्लस वन ब्रदर्स हैं और वाई नो सिस्टर्स हैं। और कहता बी कहती है कि मेरे भाइयों और बहनों का नंबर सेम है, सो वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मेरे जितने ब्रदर्स उतने ही मेरे सिस्टर्स, तो सिस्टर्स का नंबर इज इक्वल टू ब्रदर्स का नंबर। नाउ वी गॉट टू इक्वेशन, सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस सॉल्व इट, देखते हैं क्या आता है। पहले में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर दो, सो वाई प्लस वन माइनस वाई विल गिव यू वन, वाई वाई निकल जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स विल गिव यू एक्स एंड दिस माइनस वन, राइट। सो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू आ गई टू, और एक्स का वैल्यू यहां टू डाल दो तो वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, यहां से वाई का वैल्यू आ गया थ्री, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स हो गए टू प्लस वन थ्री ब्रदर्स, थ्री ब्रदर्स, एंड सिस्टर्स हो गए थ्री प्लस वन फोर सिस्टर्स, सो दे आर इन टोटल थ्री ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स। सो टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग पूछा है, सो थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा, सेवन। सो टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स हो गया सेवन, सो देर आर सेवन सिबलिंग्स। टोटल भाई बहन कितने हैं, सात भाई बहन हैं वो लोग, ठीक है। हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज ये जो सेंटेंस है इससे थोड़ा सा क्लैरिटी नो थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप नो एक्स ए के कितने ब्रदर्स होंगे, तो एक्स ब्रदर होंगे कि एक्स प्लस वन होंगे, बी के कितने सिस्टर्स होंगे, वाई होंगे कि वाई प्लस वन होंगे। हालांकि बहुत कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बट इन एग्जाम सिचुएशन यू मे गेट कन्फ्यूज समटाइम्स, सो जस्ट बी नो बी क्लियर ऑन हाउ टू अज्यूम वेरिएबल्स। सी दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस। एक बार ये इक्वेशन आ गया तब तो कोई भी निकाल लेगा ना, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज लीनियर इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बन गया तो आंसर तो आ ही जाएगा, इक्वेशन अगर आपके हाथ में आ गया तो 90% काम तो वहीं हो गया, 10% है आपका इक्वेशन को सॉल्व करना, वो तो कर ही लेगा कोई भी। इक्वेशन बनाना ही हमें सीखना है इस चैप्टर में, और वही हम इन क्वेश्चन के थ्रू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ट्रायल से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हम लोगों ने इतना इक्वेशन बनाया, बट कभी कभी कैट में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप कॉमन सेंसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम चाहें तो कॉमन सेंसिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ए और बी, ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, राइट, ए ब्रदर है और बी सिस्टर है। अब देखो ए क्या कहता है, ए कहता है मेरे सिस्टर्स का नंबर मेरे ब्रदर्स के नंबर्स का डबल है, राइट, मेरे सिस्टर्स का नंबर मेरे ब्रदर्स के नंबर्स का डबल है। तो एक काम करते हैं, ए के ब्रदर्स और सिस्टर्स के केसेस बनाते हैं, क्या क्या केस हो सकता है, ए के जितने ब्रदर्स होंगे उसके डबल सिस्टर्स होंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है। ए बोलता है कि मेरे सिस्टर्स का नंबर मेरे जितने भाई हैं उससे डबल मेरे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, राइट। तो अगर ए का एक ब्रदर होगा तो उसकी सिस्टर्स कितनी हो जाएंगी, दो। अगर ए का दो भाई होगा तो उसके सिस्टर्स कितने हो जाएंगे, चार। अगर ए के इफ ए हैज गॉट थ्री ब्रदर्स देन ए विल हैव सिक्स सिस्टर्स, फोर हो जाएगा तो एट हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग कई सारे केस बना सकते हैं, एक भाई तो दो बहन, दो भाई तो चार बहन, तीन भाई तो छह बहन, चार भाई तो आठ बहन, क्योंकि जितने भाई होंगे उसके डबल उसके बहन होंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन में। नाउ बी के भी आप देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितने होंगे, बी के भी आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कंपेयर करो यहीं से पहले केस से। तो पहला केस के हिसाब से देखो, ए है और उसके दो उसका एक भाई है, यानी कि टोटल ब्रदर्स कितने हैं, टू ब्रदर्स हैं, सो बी के ब्रदर्स हो जाएंगे टू, और टोटल सिस्टर्स हैं टू जिसमें से एक खुद बी है, तो बी के अलावा एक और सिस्टर है, तो बी की सिस्टर नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन बी के हिसाब से, बी के स्टेटमेंट के हिसाब से तो बी के जितने ब्रदर्स हैं उतने ही सिस्टर्स होने चाहिए, लेकिन बी के ब्रदर्स और सिस्टर्स तो सेम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट केस इज रूल्ड आउट। आई होप इट इज क्लियर। लुक एट सेकंड केस, ए और उसके दो भाई, टोटल कितने भाई हो गए, तीन भाई हो गए,
तो बी के ब्रदर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. और ए के टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हैं? 4 है. इस 4 सिस्टर्स में से एक खुद बी है, तो बी के अलावा और कितने सिस्टर्स हैं? 3 सिस्टर्स. सो बी के नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. और देखो बी के ब्रदर्स और सिस्टर्स का नंबर सेम आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट में भी कह रहा था, तो यही वाला केस सही है. इसके आगे भी आपको कोई केस सही मिलेगा नहीं, यही आपका करेक्ट केस है. चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, एक ही बात है. तो ए और उसके 6 भाई बहन, मतलब टोटल 7 सिबलिंग्स. यहाँ भी देख लो, बी और उसके 6 भाई बहन, 3 3 6 कितने हो गए? टोटल 7 सिबलिंग्स. तो ये हमारा आंसर भी आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितना था? 7 था. वही आ भी रहा है 7. तो आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रायल से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को कन्वेंशनली सॉल्व करें, बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम. दी क्वेश्चन सेटर और दी एग्जामिनर इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ यू हैव अराइव्ड एट दी आंसर. उनको बस ये मालूम चलना चाहिए कि आपने सही आंसर टिक किया है कि नहीं किया है. सही आंसर आपने टिक किया है तो जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन ही बनाए, हम ऐसे कॉमन सेंसिकली भी केसेस बिल्ड करके आंसर निकाल सकते हैं. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं. आगे पढ़ो इसको, गो थ्रू इट, पॉज द वीडियो, नो गो थ्रू द क्वेश्चन, ट्राई इट योर सेल्फ एंड देन अगेन नो लुक एट द सोल्यूशन. दैट वे योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर. क्या कहता है क्वेश्चन में? अ फादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज गोल्ड कॉइन्स अमंग हिज 3 सन्स ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, 3 सन्स ए बी सी, उनको गोल्ड कॉइन बांटा जा रहा है. राइट right? फिर कहता है टू ए ही गिव्स 3 मोर देन हाफ द गोल्ड कॉइन. तो पहले बेटे ए को उसने क्या दिया? आधे से 3 ज्यादा गोल्ड कॉइन दे दिया. राइट right? इसके बाद जो बचा उसमें से क्या कह रहा है? ही गिव्स 4 मोर देन 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू बी. नो, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग से कितना ज्यादा? जो बचा है उसके 1/3 से 4 ज्यादा उसने बी को दे दिया. फिर जो बचा उसके 1/4 से 4 ज्यादा किसने किसको दिया? सी को दे दिया. और उसके बाद उस फादर के पास 11 गोल्ड कॉइन्स बचा हुआ है, तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ही हैज इन द बिगिनिंग. सो लेट अस यू नो ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इसको भी देखेंगे कि और कैसे किया जा सकता है. सो सी, आप मान लो कि टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो है x. इनिशियली टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स है x. अभी a को कितना मिला, इसके बाद b को कितना मिला, उसके बाद c को कितना मिला और कितना रिमेनिंग है? रिसीव्ड बाय a एंड व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऐसा हम लोग एक बनाते हैं. तो पहले को ए को कितना दिया? 3 मोर देन हाफ. तो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन एक्स था, तो ए को एक्स बाई 2 यानी हाफ से 3 ज्यादा दिया गया. सो एक्स बाई 2 प्लस 3 दिया गया. ए रिसीव्ड 3 मोर देन हाफ द गोल्ड कॉइन्स. तो कितना बचा होगा? एक्स बाई 2 माइनस 3. समझ में आ रही है बात? कैसे कर रहा हूं मैं? अगर आधा देता x by 2 देता तो कितना बचता? आधा बचता x by 2. आधे से 3 ज्यादा दे दिया तो आधे से 3 कम बचा है. करेक्ट, यही हमारा रिमेनिंग है. अब b को क्या मिलता है? b को रिमेनिंग का 1/3 से 4 ज्यादा मिलता है. जो बचा इसका 1/3. सो 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ x by 2 माइनस 3 1/3 ऑफ रिमेनिंग. रिमेनिंग ये है, सो रिमेनिंग का 1/3 से कितना ज्यादा? 4 मोर, 4 ज्यादा, तो प्लस 4. ये दिया जाता है बी को, तो बचेगा कितना? 1/3 दिया जाता तो कितना बचता? 2/3. 1/3 चला गया तो कितना बचेगा? 2/3. सो 2/3 बचता, 2/3 ऑफ x बाय 2 माइनस 3 बचता अगर 1/3 देते तो. 1/3 से 4 ज्यादा दे दिया गया तो 2/3 से 4 कम बचेगा. तो अब ये हमारा अमाउंट लेफ्ट है. 1/3 बच देता दिए देता तो 2/3 बचता. 1/3 से 4 ज्यादा दे दिया तो 2/3 से 4 कम बचेगा. अब इसी को क्या मिला?
सी को मिला जो बचा हुआ कॉइन है दिस, इसके 1/4 से, इसके 1/4 से चार ज्यादा, तो सी को जो मिल रहा है दैट इज 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है 2/3 ऑफ एक्स बाय 2 - 3 -4, यही आपको मिला किसको 1/3, इस ये जो है इसका 1/4 से कितना ज्यादा, चार ज्यादा, दिस इज व्हाट सी हैज रिसीव्ड, कहता है ना 1/4 ऑफ रिमेनिंग से कितना ज्यादा, 4 मोर, तो रिमेनिंग ये है, रिमेनिंग का 1/4 से चार ज्यादा, ये मिला सी को, तो अगर 1/4 दे दिया तो बचेगा कितना 3/4, तो जो रिमेनिंग है नाउ फाइनल रिमेनिंग आफ्टर गिविंग टू ए बी एंड देन सी, फाइनल रिमेनिंग क्या होगा, इसका 1/4 दिया गया तो इसका 3/4 बचेगा, सो 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ दिस, ये कितना है 2/3 एक्स बाय 2 -3 -4, राइट समझना ध्यान से, इसका 1/4 चला गया तो क्या बचेगा, इसका 3/4 बचेगा, और 1/4 से 4 ज्यादा दिया गया है तो 3/4 से 4 कम बचेगा, 3/4 से 4 कम बचेगा, 1/4 देता तो 3/4 बचता, 1/4 से 4 ज्यादा दे दिया तो 3/4 से 4 कम बचेगा, ठीक है, और ये वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना बचा है 11 कॉइंस बचा है, सो दिस नंबर इज गिवन एज 11, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, एक ही वेरिएबल है एक्स, सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे करोगे, इसको इधर ले जाओ, सो 11 + 4 = 15 हो जाएगा, और ये जो बाहर में ब्रैकेट में है इसको उधर काट, उधर ले जाओ, तो 15 × 4/3, सो 15 × 4 = 60, 60/3 = 20 हो जाएगा, यानी में जो अंदर में जो ये है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, 11 ये -4 उधर गया +4, 11 + 4 = 15, और ये 3/4 उधर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, सो 15 × 4/3, 15 × 4 = 60, 60/3 = 20, सो दिस नंबर इज 20, सो 2/3 ऑफ x/2 - 3 - 4 = 20, दिस इज 20, राइट, नाउ अगेन इस 4 को उधर ले जाओ, सो 24 हो जाएगा, और ये 3/2 उधर जाएगा तो बन जाएगा 2/3 बन जाएगा 3/2, तो 24 × 3/2, सो 24 × 3 = 72/2 = 36, सो दिस पोर्शन विल बिकम 36, सो x/2 - 3 = 36, आई होप ये सॉल्व कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ये -4 उधर गया +4 हो गया, 20 + 4 = 24, 2/3 उधर ले जाओगे 3/2, 24 × 3/2 = 36, राइट, अब ये 3, ये इसको 3 को उधर ले जाओ 39 × 2 = 78, तो यहां से आ गया x का वैल्यू कितना 78, राइट, तो यही तो मुझे निकालना था, कितने क्वाइंस थे, कितने क्वाइंस थे 78 क्वाइंस थे, 78 इज द आंसर, राइट, 78 इज द आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, ऑलराइट, ये तो हम लोगों ने इक्वेशन से बनाया प्रॉपरली, इक्वेशन माना कि अज्यूम किया कि एक्स है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, पहले बेटे ए को आधा देता तो आधा बचता, आधे से 3 ज्यादा दिया तो आधे से 3 कम बच गया, अब यही बचा, अब दूसरे बच्चे को बी को इसके 1/3 दिया तो इधर कितना बचा 2/3 बचा, 1/3 से 4 ज्यादा दे दिया तो 2/3 से 4 कम बचा, अब ये बचा बी को देने के बाद, अब सी को इसका 1/4 दिया तो इधर कितना बच गया 3/4, 1/4 से 4 ज्यादा दे दिया तो 3/4 से 4 कम बच गया, अब यही हमारा वैल्यू दे रखा है, कितना बचा है 11 बचा है, तीनों को देने के बाद 11 बचा, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आई 78 आई, ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट
इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो थोड़ा सा इसको, अगर हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा यू नो बैकवर्ड जाके भी कर सकते हैं। खुद से सोचो, समझना ध्यान से, ए बी सी तीनों को देने के बाद जो मिला रिसीव्ड एंड देन रिमेनिंग, मुझे ये पता है कि सी को देने के बाद फाइनली कितना बचता है, 11 क्वाइन बचता है। सी को देने के बाद 11 क्वाइन बचता है, राइट। सी को दिया कितना गया था, 4 more than 1/4, 4 more than 1/4। सो आई नो जो भी बचा था बी को देने के बाद जो भी बचा था उसके 1/4 से 4 ज्यादा दिया गया था, तो 1/4 4 ज्यादा दिया गया था, तो ये कितना हो जाएगा, बस नो दिस इज 4 more than 1/4। सो 1, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ले लें कि यहाँ पे x1 बचा था और यहाँ पे x2 बचा था, मैं इतना लिख रहा हूँ समझाने के लिए। और फाइनली इनिशियली मेरे पास x कॉइन्स थे, मेरे पास x कॉइन्स थे, a को देने के बाद x2 कॉइन बचा, b को देने के बाद x1 कॉइन बचा और c को देने के बाद 11 कॉइन बचा, ठीक है। मैं इतना बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको ओरली कर सकते हो, नो समझना ध्यान से। यहाँ 1/4 दिया गया था, 1/4 से 4 ज्यादा दिया गया था, पहले 1/4 समझो, 1/4 दिया था तो कितना बचा, 3/4, 3/4 बचता, 1/4 से 4 ज्यादा दे दिया गया तो 3/4 से 4 कम है, 3/4 से 4 कम है तो 3/4 से 4 कम कितना है, 11 है, 3/4 से 4 लेस कितना है, 11 है, तो 4 तो 3/4 कितना होगा, 11 4 15 होगा, 3/4 कितना होगा, 15 होगा। तो सोचो 3 out of 4, 3 part out of 4 part is 15, so 1 part is now 3 part is 15, so 1 part is 5, 1 part is 5, so whole will be 5 into 4, 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। I hope I am making some sense here। मैंने क्या बोला, यहाँ 1/4 दिया था तो यहाँ कितना होगा, 3/4, लेकिन 1/4 से 4 ज्यादा दिया था C को तो 3/4 से 4 कम क्या है, 11 है, तो 3/4 क्या होगा, 11 4 15 होगा, 3/4 अगर 15 है मतलब 3 एक पाई के 4 टुकड़े करेंगे तो 3/4 इज दिस पोर्शन, राइट, 3/4 इज दिस पोर्शन, एक छूट गया, तो 3 part out of 4 part, सो 3/4 इज 15 यानी 3 part इज 15, सो 1 part इज 5, सो 4 part इज होल थिंग, सो 4 part विल बी 5 into 4, 20, यानी इससे पहले कितना बचा था, 20 बचा था, ठीक। अब देखो b को कितना दिया गया था, b कितना लिया था, 1/3 से 4 ज्यादा, 1/3 से 4 ज्यादा, सो 1/3 अगर यहां पे है तो यहां कितना बचेगा, 2/3, सो 1/3 इस x2 का 1/3 लिया, b a को बांटने के बाद बचा x2 का 1/3 लिया, 1/3 लिया तो यहां कितना बचा, 2/3, लेकिन ये 1/3 से 4 ज्यादा है तो ये 2/3 से 4 कम है, 2/3 से 4 कम है 20, तो 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा 24, 4 कम है 2/3 से 20, तो 4 हटा ऐड कर दो तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 24, सो 2/3 इज 24, 2 part, ये 3 part है पूरे पाई का, इसमें से 2/3, this one and this one, 2 parts, 2 parts is 24, पसंद में आ रही है ना, 24, 2 part is 24, so 1 part is 12, so whole is 3 part, 3 part will be how much, 36, यानी यहाँ पे कितना होगा, 36 होगा, right? And 36 क्या है, a को half से, question में कह रहा है ना, a को कितना गया, half से 3 ज़्यादा दिया गया, तो हाफ देता तो हाफ बचता, हाफ से 3 ज्यादा दिया तो हाफ से 3 कम है, तो हाफ से 3 कम कितना है, 36, तो हाफ कितना होगा, 36 प्लस 3 39, हाफ 39 तो फुल कितना हो जाएगा, फुल हो जाएगा 39 into 2 78, तो माय आंसर इज 78, इनिशियली कितना होगा, 78, ठीक है। तो ऐसे हम बैकवर्ड जाके भी विदाउट फ्रेमिंग एनी इक्वेशन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 11 है, 11 क्या है, 1/4 यहाँ पे 1/4 दिया गया था, ये 3/4 है, लेकिन 3/4 से यहाँ 1/4 से यहाँ 4, 1/4 से 4 ज्यादा है, 3/4 से 4 कम है, ये
थ्री फोर्थ से चार कम है 11, तो थ्री फोर्थ हो गया 15, थ्री फोर्थ यानी थ्री पार्ट है 15, तो एक पार्ट हो गया 5, तो चार पार्ट कितना हो गया, 5 × 4 = 20, समझ में आ रही है, तो 20 हो गया ये। अब 20 क्या है, 1/3 है, तो इधर कितना बचा होगा, 2/3 बचा होगा, सो 1/3 से चार ज्यादा है तो ये 2/3 से चार कम है, 2/3 से चार कम है 20, तो 2/3 कितना होगा, 24, 2/3 यानी 2 पार्ट, 2 पार्ट 24, तो 1 पार्ट 12, तो फुल है 3 पार्ट, तो 12 × 3 = 36, 36 इज हाफ से 3 ज्यादा दिया गया था, तो हाफ से 3 कम है, हाफ से 3 कम 36, तो हाफ हो गया 39, तो फुल हो गया 39 × 2 = 78, सो दिस इज हाउ यू कैन ओरली सॉल्व नो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट फ्रेमिंग नो इक्वेशन। एक बार ठीक से समझना, नहीं होगा नहीं, अगर लगेगा कुछ फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इफ यू आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दी नो कॉमन सेंसिकल वे ऑफ सॉल्विंग दी इक्वेशन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, ओके गो थ्रू दिस। क्या कहता है, अ टेलीफोन कंपनी चार्जेस अ प्राइस ऑफ ₹X फॉर अ न्यू कनेक्शन एंड अलाउज 30 फ्री कॉल्स। ठीक है, तो एक टेलीफोन कंपनी ₹X लेती है और वो आपका 30 फ्री कॉल्स देती है, सो ₹X तो आपका बिल आएगा ही आएगा, आप कुछ भी करो, कॉल करो चाहे नहीं करो, ₹X इज योर डिफॉल्ट बिल, इवन इफ यू हैव नॉट यूज्ड योर फोन इवन अ सिंगल टाइम इन द एंटायर मंथ, यू स्टिल हैव टू पे ₹X। सो चार्जेस अ प्राइस ऑफ ₹X फॉर न्यू कनेक्शन एंड अलाउज 30 फ्री कॉल्स, 30 फ्री कॉल दिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉल्स आर चार्ज्ड एट ₹5 पर कॉल, तो एक्स्ट्रा कॉल जो भी होगा 30 कॉल के ऊपर आप जो भी कॉल करोगे उसमें पर कॉल आपको ₹5 एक्स्ट्रा लगेगा। कहता है राजा हैज टू कनेक्शंस, दो कनेक्शन थे राजा के पास, ही मेक्स वाई कॉल्स ऑन वन एंड जेड कॉल्स ऑन द अदर, तो दोनों टेलीफोन कनेक्शन पे उसने कितने कितने कॉल किए, वाई कॉल्स एंड जेड कॉल्स, और क्वेश्चन में दे रखा है दोनों वाई और जेड 30 के बराबर या उससे ज्यादा ही है, 30 से कम नहीं है, यानी एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगा ही लगा होगा। बिल्स आर ₹500 and ₹400 रेस्पेक्टिवली, दोनों कॉल्स पे दोनों कनेक्शन पे कितना बिल आया, ₹500 और ₹400, टोटल ₹900 बिल आया। फिर कहता है हैड ही मेड ऑल द कॉल्स ऑन अ सिंगल कनेक्शन, अगर उसके पास एक सिंगल कनेक्शन होता और उसी पे सारे कॉल्स करता वो सारे के सारे वाई प्लस जेड कॉल्स, कितने कॉल किए हैं टोटल, वाई कॉल एंड जेड कॉल, सो वाई प्लस जेड कॉल पूरा का पूरा वाई प्लस जेड कॉल अगर एक ही कनेक्शन पे करता, हिज बिल वुड हैव बीन ₹800 फॉर दैट कनेक्शन, उस कनेक्शन के लिए बिल कितना होता, ₹800 होता, तो आपको निकालना है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, तीन अननोन्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, हमें तीन इक्वेशन चाहिए होगा एक्स वाई जेड में, तीन इक्वेशन बनाइए और बना के इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले टेक अ पॉज, आप खुद से बनाओ, देखो कि ये सॉल्व हो रहा है, इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, एंड देन यू रेफर टू द सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग यू नो सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि देयर आर टू कनेक्शन, फर्स्ट कनेक्शन, सो फर्स्ट कनेक्शन एंड सेकंड कनेक्शन, दो कनेक्शन है मेरे पास, इसमें फिक्स चार्ज कितना लग रहा है मुझे, ₹X तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, ओके सो फिक्स चार्ज FC लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फिक्स चार्ज इज ₹X हियर एंड ₹X हियर, दोनों पे ₹X लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने किए गए, कॉल्स किया गया यहाँ पे वाई कॉल्स, यहाँ पे किया गया जेड कॉल्स, इसमें से 30-30 कॉल फ्री था, तो चार्जेबल कॉल्स कितने हो गए, चार्जेबल कॉल्स हो गए वाई माइनस 30 और एक्स जेड माइनस 30, वाई कॉल्स में से 30 कॉल का तो फ्री है, बचा कितना वाई माइनस 30, जेड कॉल में से 30 फ्री है, बचा कितना जेड में, इतने कॉल्स का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ₹5, क्या बोल रहा है, कितना लगेगा, ₹5 पर कॉल, और दोनों जगह जो बिल अमाउंट आया वो कितना आया, ₹500 and ₹400, सो बिल बिल इज ₹500 and ₹400, पहले इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या कहता है।
इसके लिए क्या बनाओगे, ₹100 तो लगना ही लगना है पहले वाले के लिए, तो ₹100 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस वाई माइनस 30 जो चार्जेबल कॉल्स है इसके लिए ₹5 पर कॉल लगेगा, तो 5 times y minus 30, यही हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट बिल अमाउंट, ₹1 इज द फ्री फिक्स चार्ज प्लस y माइनस 30 चार्जेबल कॉल्स के ₹5 पर कॉल लग जाएंगे, तो हो जाएगा यही हमारा अमाउंट हो गया एंड दिस इज गिवन, दिस इज 500। ठीक है, सेकंड में आओ, ₹1 तो फिक्स चार्ज लगना ही लगना है, देन जो चार्जेबल कॉल्स हैं वो है जेड माइनस 30, टोटल कॉल जेड हुए उसमें से 30 फ्री हो गए, तो चार्जेबल कॉल्स कितने हो गए जेड माइनस 30, तो उसके लिए ₹5 पर कॉल के हिसाब से 5 times नंबर ऑफ चार्जेबल कॉल्स विच इज जेड माइनस 30, दिस विल बी आवर बिल अमाउंट, और ये कितना दे रखा है 400। सो दो इक्वेशन तो हो गया, अननोन से 3 एक्स वाई एंड जेड, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए होगा, किधर से आएगा, कहता है कि अगर सारे के सारे वो एक ही कनेक्शन पे कॉल करता तो बिल कितना आता 800, यानी एक ही कनेक्शन होता हमारे पास और उसी पे मैं पूरा का पूरा कॉल करता, तो आप अगेन से देखो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया ₹1 एंड टोटल कॉल्स मेड विल बी वाई प्लस जेड, बिकॉज टोटल उसने एक कनेक्शन पे वाई किया था दूसरे पे जेड किया था, सारे एक ही पे करेगा तो कितने कॉल करेगा वाई प्लस जेड कॉल करेगा, और इस वाई प्लस जेड कॉल्स में से जो चार्जेबल कॉल होगा वाई प्लस जेड माइनस 30, बिकॉज 30 कॉल्स तो फ्री मिलेगा, तो उसके ऊपर जो भी होगा एनीथिंग ओवर एंड अबव वाई प्लस 30 कॉल्स विल बी चार्ज। ठीक है, और यहां पे जो बिल अमाउंट आता है दैट इज ₹800, सो द बिल हियर इज ₹800, राइट। नाउ लेट अस फ्रेम द इक्वेशन फॉर दैट आल्सो, सो फिक्स चार्ज ₹1 तो लगना ही लगना है, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेबल कॉल्स इनटू 5, सो 5 times y प्लस जेड माइनस 30, और ये दे रखा है ₹800, तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अननोन्स भी 3 है x y एंड जेड, सॉल्व करके आप x y जेड तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े बड़े आराम से। कैसे करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यहां पे भी y प्लस जेड आ जाएगा, इधर भी y प्लस जेड है, कैंसिल हो जाएगा y प्लस जेड, राइट। सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 5 कॉमन ले लो यहां पे, तो y प्लस जेड एंड माइनस 30, माइनस 30 इज माइनस 60 इज इक्वल टू 500 प्लस 400 900, राइट। अब सबट्रैक्ट कर लो, 2x में से x गया, x बचेगा, y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 300 प्लस 150 इज माइनस 150, सो माइनस 150 इज इक्वल टू 900 माइनस 800 100। ठीक है, सो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 250, तो एक वैल्यू तो आ गया, माइनस 150 उधर गया 250, सो एक वैल्यू तो आ गई x की वैल्यू 250। अब यहां 250 डाल दो, y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, देख लो 250 डालो, ये 250 उधर घटाओगे बचेगा कितना 250, 5 से डिवाइड कर दोगे बचेगा 50, सो y माइनस 30 इज 50, सो y विल बिकम 80। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 250 है, 250 उधर ले जाओगे, 500 माइनस 250 इज 250, 250 को 5 से डिवाइड कर दो 50, y माइनस 30 इज 50, तो y हो जाएगा 30 प्लस 50 80, तो y की वैल्यू भी आ गई 80। सेम चीज यहां भी करो, ओरली करो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 250 निकालो उधर, x की वैल्यू आई 250, यहां रखो 250, 250 उधर घटा दो बचा 150,
150 को 5 से डिवाइड कर दो, बचा तो कितना 30 एंड 150 को 5 से डिवाइड कर दो कितना बचा 30, z माइनस 30 इज 30, सो z इज 60, सो z की वैल्यू कितनी आ गई 60, सो वी नो x इज 250, x इज 250, y इज 80 एंड z इज 60, ये हमारा आंसर है, y x 250, y 80 एंड z 60. आई होप समझ में आया होगा, तीनों इक्वेशन तो बड़े सिंपल हैं, समझ में आने लायक हैं. x फिक्स अमाउंट हो गया पहले के लिए, चार्जेबल कॉल्स y माइनस 30, तो x प्लस 5 टाइम्स y माइनस 30 500, यहाँ पे x फिक्स अमाउंट हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, z माइनस 30 इज चार्जेबल कॉल्स, सो 5 टाइम्स z माइनस 30 इज द बिल अमाउंट प्लस x 400, सारे एक पे कर दोगे तो चार्जेबल कॉल्स हो जाएंगे y प्लस z माइनस 30, सो y प्लस z माइनस 30 इंटू 5 और प्लस फिक्स चार्ज x, ये टोटल है 800. तीन इक्वेशन तीन अननोन, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, यहाँ y प्लस जेड है, इन दोनों को ऐड कर दे तो y प्लस जेड आ जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, x प्लस एक्स 2x, 5 कॉमन ले लिया, y प्लस जेड माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60, 500 प्लस 400 इज 900. अब नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x में से x गया x बचा, yz कैंसिल, माइनस 300 प्लस 150, माइनस 150 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो, एंड 900 माइनस 800 100, तो x आ गया 250, x यहाँ 250 डाल दो y की वैल्यू आ जाएगी, x यहाँ 250 डाल दो z की वैल्यू आ जाएगी, सो x y z आर 250 80 एंड 60. सो ये सारे क्वेश्चंस में एक चीज बहुत क्लियर है, बहुत एविडेंट है इस चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं पहले लेक्चर से ही बार बार आपको कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि द बिगेस्ट थिंग हियर इज टू फ्रेम द इक्वेशन. अगर किसी को ये तीन इक्वेशन दे दिया जाए और बोला जाए कि फाइंड आउट x y एंड z, कोई भी इस स्टूडेंट इसको निकाल लेगा, जिसको भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है. तो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना आता है कि नहीं आता है. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके क्या आप लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, बिकॉज दैट एनीबडी ऑब्वियसली वुड नो, राइट? सो मे बी इन नेक्स्ट नो फ्यू मोर लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर we'll take up some more interesting questions on linear equation, and then obviously we'll move on to next chapter. So next video lesson will again be on linear equation only, where we will take some more different varieties of questions. All right, I hope aapko tino videos tino questions samajh mein aaya hoga. Agar nahi samajh mein aaya hoga to zarur comment mein likhiyega, taki hum log dobara revisit kar sake. Okay, all right, thank you guys.